वेलकम बैक टू माई चैनल नेम इज उस्मानिका कैसे हैं आप लोग तो आज की वीडियो किस टॉपिक पे आपको पता चल ही गया होगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन मुझे भी याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर रही थी ऑस्ट्रेलिया आ रही थी तो मुझे ये टॉपिक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था कि क्या पैक किया जाए क्यों रीज़न बीइंग दे आर मैनी रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि एक तो आपको लिमिटेड वेट दिया जाता है एयरलाइंस में और अगर आप कुछ कुरियर करवा रहे होते हैं तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि आप ये सोचते हैं तो इतना पहले इसको यहाँ ख़रीदने में लगाए फिर उतना उसको यहाँ पर भेजने में लगाएं तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखते हुए और अनदर रीजन वॉज कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप ये सोचते हो कि हमारा लगेज लिमिटेड हो हम लोग ज़्यादा परेशान ना हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव आपको बहुत काम में आने वाली है इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ क्या लेके आए जब आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं या फिर कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं कुछ महीनों के लिए आ रहे हैं या बस किसी के पास रुकने के लिए आ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है सो स्टेक यू तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि क्या लेके आए मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है आप ऑलरेडी इस चीज़ में जुट गए होंगे क्योंकि या तो आपकी टिकट्स आ चुकी होंगी आने वाली होगी और आपकी पैकिंग की तैयारी कर ली होगी और ये तैयारी हम कम से कम तीन महीने पहले तो शुरू कर ही देते हैं मैंने तो कम से कम तीन महीने पहले ये सोचना शुरू कर दिया था कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना क्योंकि मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं मूव कर रही थी ऑस्ट्रेलिया लाइक फीवर कमिंग हेयर परमानेंटली और अदरवाइज नहीं तो बहुत इन्फिनाइट uh, टाइम के लिए हमें नहीं पता हम लोग कितने साल रहने वाले हैं कितने साल रुकने वाले हैं तो इट वॉज़ अ मूविंग डिसीजन और अब ऑलरेडी हमारा खुद का सामान इतना ज़्यादा हो जाता है जो हमें लेके जाना है तो और ऊपर से एक घर वहाँ बसाना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में आ रही होती हैं जो इम्पोर्टेंट लग रही होती है लेकिन हमें ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या इतना वर्थ यहाँ से वहाँ लेके जाना इस चीज़ को है या नहीं तो ये वीडियो उन सभी क्वेश्चन को आंसर करने वाली है आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया मेरे को ये पता चल चुका है कि क्या इंडिया से लाना यहाँ पे ज़रूरी है और क्या नहीं कि इतना पेन लिया जाए कि उस चीज़ को यहाँ तक लेके आया जाए अदरवाइज यहाँ पे सब चीज़ मिलती है सब चीज़ आप इंडियंस की ज़रूरत की सब चीज़ मिलेगी लेकिन देर आर मैनी फैक्टर्स विच इज इफेक्टिंग दैट डिसीजन एक तो पैसा ऊपर से वेट वराइटीज कलेक्शंस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस डिसीजन को इफेक्ट करती है तो सबसे पहली चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगना चाहिए वो है मेडिसिन तो अगर आपको कोई क्रॉनिकल प्रॉब्लम है या आप किसी चीज की मेडिसिन लेते आ रहे हैं तो प्लीज़ उसकी मेडिसिन सिक्स मंथ्स की मिनिमम लेके आइए अगर होम्योपैथिक मेडिसिन है तो स्पेशली लेके आइए क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन uh, का और इन सब का बहुत ही अलग चक्कर है आपने ऑलरेडी बहुत बार सुन लिया होगा आज मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मेडिसिन का और मेडिकल क्या चक्कर होता है कि यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं जीपी के पास जीपी से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो आपको रिकमेंड करती है कोई स्पेशलिस्ट और उस स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट कम से कम एक महीने बाद की मिलती है तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है पहले तो उसको चेक करवा लीजिए ये मत सोचिए वहां जाके देखेंगे या कुछ भी बॉडी में छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसको चेक करा के आइए अगर आपने बॉडी चेकअप नहीं करवाया है तो उसको करवा लीजिए और जो भी आपको लगता है कि मेडिसिन ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो थ्री टू तो सिक्स मंथ्स की पक्का से पक्का लेके आइए अदरवाइज यहाँ पे हेड एक् की कोल्ड एंड कफ फ्लू की इन सब की ओवर दी काउंटर मेडिसिन मिल जाती है उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू ऐसा पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू है जिसके लिए आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेनी होती है तो प्लीज़ पहले से पहले लिखवा के लेके आइए वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट सिस्टम है अगर आपकी वही सेम प्रॉब्लम को यहाँ पे डिफरेंट वे से ट्रीट किया जाएगा और अगर लाइक सिमिलर वे से मिल भी गया तो उसे मेडिसिन नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे साथ ये इशू uh, यहाँ पे मैंने फेस करा था आई हैव सर्वाइकल इशू और उस सर्वाइकल की मेडिसिन जो मुझे इंडिया में सूट करती थी वो मुझे यहाँ पे सूट नहीं करी और मेरे को बहुत टाइम लग गया उस चीज़ से निकलने के लिए जहाँ मुझे इंडिया में वन मंथ में मेडिसिन से आराम मिल जाता था यहाँ मैंने थ्री मंथ्स तक सफ़र करा था इसलिए इस चीज़ को लीजेंट मत लेना अपनी मेडिसिन को अपने मेडिकल हर चीज़ को करवा के आना लाइक अगर कोई डेंटिस्ट की चीज़ है तो उस डेंटिस्ट की चीज़ को करवा लो बाद में मत छोड़ना ये भी मत सोचना कि एक साल बाद इंडिया आएंगे तब देख लेंगे नहीं उस चीज़ को अभी से अभी करवा के आओ अपनी मेडिसिन की लिस्ट बना के रखो और सबसे पहले लिस्ट बना लोगे तो वेट टाइम आपको जो याद आता रहेगा आप उसमें ऐड करते रहोगे और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट uh, चीज़ है तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज योर फेस वॉश और अगर आप हेयर या फेस की कोई भी ऐसी मेडिकेटेड चीज यूज कर रहे हैं लाइक like, अगर आप प्रिस्क्राइब किया हुआ है जैसे मेरा फेस वॉश था मुझे uh, कुछ स्किन के इश्यूज है तो वो मैं सिक्स मंथ्स के लिए ऑलरेडी लेके आई थी क्योंकि मुझे पता है नई जगह है वहां पे नए नए फेस वॉशेस ट्राई करूंगी कौन सा सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा क्योंकि इस एज पे आके मुझे बड़ी मुश्किल से पानी कोई एक सूट करना स्टार्ट कर रहा था तो मैं उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और यहाँ पे वेदर चेंज होने की वजह से आपके हेयर और आपके स्किन डिस्टर्ब होंगे 101 परसेंट डिस्टर्ब होंगे ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है ये सबका एक्सपीरियंस रहा है लाइक हेयर फॉल ड्राई हेयर और ड्राई स्किन बिकॉज यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा होती है थोड़ा विंडी वेदर होता है ड्राई वेदर होता है तो इस वजह से मेक श्योर sure कि आपको जो शैम्पू और जो फेस वॉश यूज स्पेशली फेस वॉश शैम्पू तो आपको फिर भी सेम मिल जाएगा यहाँ पे क्योंकि शैम्पू आई गेस हम लोग जनरली सब वही यूज करते हैं डव हो गया हेड एंड शोल्डर हो गया ये सब चीजें यहाँ पे इजिली अवेलेबल मिल जाती है लेकिन फेस वॉश एक मुझे ऐसा लगा था वो कंसर्न था कि हाँ ये चीज़ आ, अच्छा किया कि मैं छः महीने कि पे एडवांस में ऐसे फेस वॉश ले आई एंड स्टिल आफ्टर थ्री इयर्स मैं अभी भी वही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ मैं जब भी इंडिया जाती हूँ इंडिया से कोई आता है तो मैं मंगवा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ेस वॉशेस ट्राई करे मुझे कुछ सूट नहीं करा इसलिए बेटर है कि जो आपको क्वालिटी सूट कर रहा है वो लेके आओ यहाँ आके आप और भी ट्राई कर सकते हो तो अगर कोई और अच्छा लगता है तो वाई नॉट सूट कर जाता है तो बेस्ट है अगर नहीं किया क्या ये रिस्क लेने वाली चीज है हेयर और स्किन के साथ नहीं तो इसलिए ध्यान रखना और ये चीज़ें सबसे पहले रखना अब बात करते हैं वैल्यूएबल्स की वैल्यूएबल्स मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी है सेमी एक्सपेंसिव है लाइक गोल्ड प्लेटेड गोल्ड डायमंड ये सारी ज्वेलरी है तो लेके आइए मैं लेके आई थी और अभी भी मैं जाती हूँ और मुझे ये लगता है कि मुझे गोल्ड परचेज़ करना है तो मैं भी इंडिया को ही ट्रस्ट करती हूँ डिज़ाइंस की वजह से और बहुत सारे रीजंस हैं कि अगर गोल्ड परचेज करना होता है तो वहाँ से लेती हूँ और अगर ऑलरेडी आपके पास ऐसी कोई सामान है ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो आप ले आइए उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आ, वैल्यू फाइव लैक की वर्थ ज्वेलरी आप यहाँ ले आ सकते हैं और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट साइट पे देख सकते हैं इनके कितना और लेके आ सकते हैं लेकिन एक बार में आप पाँच लाख के वर्थ की अपनी गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे ला सकते हैं और ले जाने का तो दे आर डिफरेंट इश्यूज़ और इस वजह से यहाँ पे सिर्फ लाने की बात की जा रही है कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो क्या गोल्ड ज्वेलरी ले, आ सकते, ले आ सकते हैं यस ले आ सकते हैं फाइव लाख रुपए वर्थ की और ले आइए क्योंकि आप ऐसा लगता है कि नहीं शायद नहीं पहनेंगे लेकिन नहीं बहुत यूज में होती है बिल्कुल पहनी जाती है फेस्टिवल्स आते हैं ओकेजन आते हैं बहुत यूज हो जाती है अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज पे जो मुझे लगता है इस चीज को लेके सभी अवेयर होंगे सभी जानते होंगे या कभी ना कभी आपके काम में बात पड़ी होगी हाँ जी बर्तन तो यहाँ पे स्टील के बर्तन थोड़े मुश्किल से मिलते हैं मिलते हैं तो एक्सपेंसिव मिलते हैं कि हाफ uh, रेट से भी ज्यादा डिफरेंस होता है अगर कोई चीज़ इंडिया में दस की मिल रही है तो वो यहाँ पे पचास की मिलेगी स्पेशली बर्तनों में तो ये चीज है यहाँ पे एक तो स्टील के बर्तन है थोड़े लंबे चलते हैं यहाँ पे uh, मैं जो पहले से बर्तन यूज करी थी वो बार बार टूट जाते थे तो बेटर है कि स्टील के बर्तन है नहीं है तो लेके आइए अगर आप मूव कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आप वहां पे लॉन्ग टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया में रुकने वाले हैं तो इस वजह से अपने लाइक लाइक अगर टू या फोर की फैमिली है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़े बर्तन लेने की ज़रूरत है एक सेट जिसके अंदर कढ़ाई और छोटे से पतीला वगैरह ये सब आए वो एक ज़रूर ले आइएगा और ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो ज़रूरत की चीज़ें जो लगता है आप डेली यूज कर पाओगे जिन बर्तनों को वो तो ज़रूर लेके आइए जैसे कुकर हो गया कढ़ाई हो गया फ्राई पैन हो गया और आ, चार चार कटोरिया चार प्लेट ये सब चीज़ें ले आइए नहीं तो एक बैक बॉक्स आता है जिसके अंदर सेट होता है बर्तनों का तो वो तो बेस्ट है स्टील के बर्तन जरूर लेके आइएगा एक तो इंडिया में वैरायटीज अच्छी मिलेगी क्वालिटी अच्छी मिलेगी और वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक रहेगी अगर आप इस चीज़ को थोड़ा पेन लेके भी आ रहे हो ना सपोज अगर आपको लग रहा है कि परेशान होगा वर्थ है क्योंकि वो सालों तक चलेगी आप एक बार ले आओगे तो ये चीज़ सालों तक चलेगी तो वर्थ है इतना पेन लेना नेक्स्ट आते हैं बेडशीट्स शीट्स यहाँ पे बेडशीट्स मिलती है बिल्कुल मिलती है लेकिन एक्सपेंसिव मिलती है स्पेशली जो क्विल्ट्स वगैरह होती है वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है इतनी हैवी नहीं होती है जितनी हैवी यहाँ पे ठंड होती है यहाँ पे, है। <laughs> यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है लेकिन क्विल्ट्स जो है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है तो अब की बात जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं लेके आई थी क्विल्ट्स कवर कम से कम फोर टू सिक्स क्यों क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम विंटर्स होती है और अगर हम लोग समर्स में भी ए वगैरह में यूज़ करते हैं तो इस वजह से मैं फोर कवर्स विंटर्स वाले लेके आई थी जो ब्लैंकेट की तरह होते हैं और फोर कवर्स समर्स वाले लेके आई थी जो कॉटन के होते हैं तो इस वजह से ये चीज़ वो है जो एक बार ला के बहुत लंबी चलेगी तो अच्छी डिजाइन मिल जाएंगे इंडिया में अच्छा प्राइस मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी इसलिए बेडशीट्स क्वेल्थ कवर ये सब चीजें इंडिया से लाना वर्थ है क्योंकि अच्छे प्राइस पे अच्छी चीज मिल जाएगी अगर यहाँ पे आपको एक बेडशीट कम से कम फोर्टी टू फिफ्टी डॉलर की मिलेगी एक अच्छी बेडशीट फिफ्टी डॉलर मीन्स ढाई हजार की ढाई तीन हजार की तो इससे अच्छा है कि आप क्यों ना इंडिया से उतने में ही तीन चार बेडशीट लेके आ सकते हो और अच्छी क्वालिटी की और अच्छी डिजाइन की तो वर्थ है बेडशीट्स और बेडिंग्स लेके आना टाल मुझे यहाँ के टाल्स की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे चाहिए होता है लाइट वेट हो बहुत जल्दी ड्राई हो जाए और बहुत अच्छी क्वालिटी हो मुझे इंडिया में टाल्स की ज़्यादा बेटर क्वालिटी लगी Uh, मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत हो गए इस चीज से लेकिन हाँ ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी कि टाल्स भी अगर आप इंडिया से लेके आए तो बेटर है टालस हो गया हैंड गया और जो किचन के टाइल्स है वो बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं वो लेके मत आइएगा लेकिन टाल्स हैंड टाल्स जरूर लेके आइएगा क्योंकि ये चीजें वो है जो थोड़ा लंबा भी चलेगी अभी जो नेक्स्ट चीज है उसमें आपकी चॉइस है लेकिन मैं जरूर सजेस्ट करूंगी वो है मंदिर का सामान क्योंकि मंदिर का सामान यहां पे मिलता है लेकिन आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा और प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा ह्यूज है तो ये सारी चीजें मैं वो बता रही हूं जो वर्थ है लानी क्यों क्योंकि एक तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी प्राइस डिफरेंस की वजह से क्वालिटी की वजह से डिजाइन की वजह से तो ये सारे पॉइंट्स वो थे जो इन सब चीजों में आपकी बहुत लंबे चलेंगे और ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं भगवान की मूर्ति एक बार ही रखी जाती है बहुत लंबे टाइम तक चलती है अगर आपकी चॉइस की नहीं मिल रही है तो बेटर है कि आप इंडिया से लेके आइए और कुछ ऐसे पूजा का सामान होता है जो यहाँ पर ईजिली अवेलेबल तो है लेकिन वैसा नहीं मिल रहा जैसा आपको चाहिए तो आप इंडिया से लाना ही ही प्रेफर करेंगे मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ इंडिया से लाना क्योंकि कुछ ऐसे भगवान के कपड़े वगैरह होते हैं वस्त्र होते हैं जो यहां पे मिल जाते हैं बहुत ह्यूज प्राइस डिफरेंस होता है और आपकी चॉइस का भी नहीं मिल रहा होता है बेटर है कि आप इंडिया से ही लेते हैं तो मंदिर तो हर एक अपने घर में रखता ही है तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना क्योंकि मंदिर के सामान जरूर लेके आइएगा जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मुझे पता है मैं मूव कर रही हूं मैं मंदिर जरूर रोकूंगी एक ऑब्वियसली छोटे 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 सामान होते हैं लगेज पे ज्यादा वेट भी नहीं पड़ेगा और फॉर के लिए होती है वो चीजें तो बेटर है कि आप अपनी चॉइस से अपने प्लेस से और जैसे आपको सूट करता है आपके मंदिर को सूट करता है आपके टेस्ट को सूट करता है वैसा ही लेके आए तो अब बात करते हैं क्या ना लेके आए पहली चीज कि अगर आपके कपड़े आ, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप यहाँ भी पहन सकते हैं तो जरूर लेके आइए लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप वहां पे आप शॉपिंग करना शुरू करेंगे ताकि आप उस सामान को यहाँ पे लेके आ सके स्पेशली कपड़े जूते और बैग तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं बिलीव मी डू नॉट शॉप मत करो शॉपिंग वहां पे क्योंकि यहाँ पे एच एन एम जारा मार्क्स एंड स्पेंसर्स ये सब मेजर ब्रांड सेम प्राइस पे है सेम कलेक्शन है सब कुछ सेम है इवन यहाँ पे भी सेल लगती है यहाँ पे भी वो टाइम आता है जब उसी प्राइस पे सब चीजें मिलती हैं तो इसलिए फालतू में वहां पे पहले उस पे खर खरीदने में खर्चा करो फिर उसको यहाँ लाने में खर्चा करो ये गलती बिल्कुल मत करना स्पेशली शूज और बैग्स शूज और बैग सबसे ज्यादा वेट लेते हैं और अगर आपके पास पहले से खरीदा हुआ है तो ऑब्वियसली वो आप लेके ही आइए लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पेशली शॉपिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं उस चीज़ के लिए शॉपिंग करके फिर आप उस सामान को यहाँ लेके आएंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है बहुत बड़ी गलती है मत करिएगा अगर आपकी कोई भी ऐसे बैग्स वगैरह हैं जो आपने लिए हुए हैं तो वो आप बिल्कुल लेके आएंगे लेकिन उसमें भी आप ये सोचिए कि कौन से हैं जो आप वहाँ जाके ज्यादातर यूज कर पाएंगे लाइक मैंने मैंने जो सोचा था कि मेरे जो एथनिक बैग्स थे लाइक जो पोटली वगैरह थी क्योंकि मेरी शादी के कुछ सामान रखा हुआ था जो कि मुझे ऐसा लगता है मैंने वहां पे भी इतना यूज नहीं करा था तो मैं यहाँ पे क्या यूज करती हूँ तो ऑब्वियसली वो बिग नो है कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज होने वाला है यू आर यू आर गोइंग टू वर्क देअर और या फिर आप एक हाउस वाइफ रहेंगी आप ज्यादातर बच्चों का ध्यान रखेंगे ये सब चीजें नहीं यूज कर पाएंगे तो उन सब चीजों में ध्यान में रखते हुए आधी चीजें वहीं आना क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे शूज वगैरह छोड़े थे जिनकी हेल्स थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे लाइफ चेंज होगा मुझे लगता कि मैं इतना ज्यादा पार्टीज uh, वगैरह में जाऊंगी क्यों क्योंकि यहाँ पे सोशल लाइफ इतनी एक्टिव नहीं होती ऑब्वियस रीजन यहाँ पे वो फ्रेंड्स नहीं है रिलेटिव्स नहीं है जहाँ पे आप ओकेशनली या फिर गेट टुगेदर हो रही है मिलने जा रहे हो तो उस चीज के लिए हमें ये शूज चाहिए होंगे ये बैग चाहिए होंगे नहीं वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती और इस चीज को लेकर मैं अवेयर थी तो इस वजह से मैंने अपना जो ऑलरेडी मेरे पास बैग्स और, और शूज थे मैंने वो सारे छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे नहीं यूज़ होंगे और जो बैग्स और शूज मैं लेना चाहती थी मैंने ये सोचा था मैं वहां जाके ही लूंगी कि बेटर है कि दो दो बार पैसे खर्च करने से अच्छा है क्योंकि पहले मैं उस बैग पर लेने में खर्च करूं फिर उसको यहाँ कूलियर करने में खर्च करूं क्यों क्योंकि ऑलरेडी एयरलाइंस कितना थर्टी टू फोर्टी यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर बिजनेस क्लास है तो फिफ्टी के होगा आपके पास और उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसा सामान हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कपड़े तो ऐसे हैं कि बहुत जरूरी हो जाते हैं उसमें भी आप और कपड़े या जूते या फिर एक्सेसरीज नहीं ऐड कर पाते हो तो बेटर है कि आप फिल्टर करो कि क्या आप एक्चुअली में यूज कर पाओगे वहां पे और मैं सजेस्ट हाईली हाईली सजेस्ट ये करूंगी डू नॉट शॉप फ्रॉम दहा पे जारा एच एन एम मार्क्स एंड पेंसिल सबका सेम कलेक्शन है सेम प्राइस है आ, सेम आ, सब कुछ सेम है यार मतलब कि और इवन यहाँ पे यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा इन कलेक्शन क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल डिफरेंस होने की वजह से कुछ चीजें और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी और ज्यादा मिलेगी और यहां रहने के बाद आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि क्या यूज़ में आएगा क्योंकि यहाँ पे विंटर ज़्यादा होती हैं तो आपको पता ये लाने के बाद पता चलेगा यार मैं फालतू में इतने क्रॉप टॉप्स वगैरह ही थी ड्रेसेज वगैरह ले आई वो तो इतने में यूज़ में होनी ही नहीं थी जितने मेरे ये विंटर्स वेयर यूज़ में होने हैं और विंटर्स वेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट लेते हैं तो ख़रीदना मत यहाँ आके खरीदना और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है और प्राइस भी सही होता है सेम प्राइस होता है नहीं होता तो डिस्काउंट लगता है तो उसको सही इकोनॉमिकल पड़ जाता है तो अच्छा है कि यहाँ आके ही शॉपिंग करो आई होप मैंने आप लोगों को कन्वेंस कर लिया कि आप <laughs> यहाँ आके ही शॉपिंग करो क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही थी कि uh, यहाँ आने के बाद आई कंसीव्ड और मुझे ये पता चला कि यार दो साल तक तो मैंने वो चीज़ें जिनको मैं इतना पेन लेके लेके आई थी दो साल से मैंने उनकी तरफ़ देखा भी नहीं है यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है तो बेटर होता कि अगर मैं आके ये चीज़ें सोचती और आ, मैं क्योंकि आके मैंने फैमिली प्लानिंग करनी थी वो सब चीज़ें हो गई और वो सब चीज़ें रखी रही तो अच्छा है कि मैं दो तीन साल बाद उसकी शॉपिंग करती तो मैं और थोड़ा डिफरेंट कलेक्शन ले पाती तो इस वजह से मैं आप लोगों को कन्वेंस कर रही हूँ आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना वो आइकन बटन जरूर प्रेस करना क्योंकि अब देर विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसके अंदर मैं इंडियंस uh, का लाइफस्टाइल शेयर करने वाली हूँ और और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी स्पेशली uh, जो मूव करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर प्लान कर रहे हैं या फिर रिलेटिव रहते हैं किसी भी वैसे uh, इंडियंस के लाइफ स्टाइल के बारे में इंफॉमेशन चाहिए रिलेटेड वीडियोजर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें नहीं है क्या क्या चेंजेस आते हैं ऑलरेडी आप लोग मेरे ब्लॉग्स में तो देख ही रहे होंगे तो जिसमें ऑलरेडी काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि एक्चुअली में लाइफ स्टाइल इंडियंस का क्या है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें डरा रही होती है और वो डरने वाली नहीं होती है तो आपको मेरे ब्लॉग्स में पता चलेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज बने रहिए आगे और ऐसी वीडियोस आने वाली है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय